दाऊदनगर प्रखंड कार्यालय में आज उप प्रमुख के कार्यालय कक्ष का उद्घाटन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष परमिला देवी ने फीता काटकर विधिवत इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद बुके प्रदान कर जिला परिषद अध्यक्ष परमिला देवी एवं उप प्रमुख गायत्री देवी का स्वागत किया गया। साथ ही वहां उपस्थित नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों एवं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आम जनता की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना उनका दायित्व है। बाद में नवनिर्वाचित उप प्रमुख गायत्री देवी ने कहा कि सभी पंचायत समिति सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करेंगे, साथ ही पंचायतों में घूम घूम कर यह देखेंगे कि काम किस प्रकार से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिले, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। सभी को अच्छी तरह से हम काम करूंगे और सब पंचायत में घूर घूर के देखूंगे कि मेरा कैसा काम चल रहा है, पंचायत का कैसा विकास हो रहा है, कैसा होना चाहिए, एकरों से बढ़िया सुधार करके आगे महे बढ़ाएं हम लोग। सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्र दाऊदनगर दक्षिणी टूक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। वो मेरे ईश्वर समान है मेरे लिए, ठीक है। और उसके बाद तो हमको मतलब हर तरह से विकास करना है, चौमुखी विकास करना है। और सबसे पहले तो हम एक महिला हैं, मेरे साथ एक और महिला जो जीती हैं। सबसे पहले तो हम लोग का महिला सशक्तिकरण होगा, उसके बाद हम लोग को एक दूसरे का सहयोग करके जितना बन सके मैं इनको सहयोग करूंगी, इनसे भी लूंगी और विकास करूंगी।